मेरे चाचा का घर मेरे घर के पास ही था। मेरे चाचा का लड़का, जिसकी उम्र 23 साल की थी, अक्सर हमारे घर आया जाया करता था। वो उम्र में हमसे 5 साल बड़ा था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर कुछ देख रही थी, तो वो मेरे पास आया। फिर बातों बातों में उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मैं उसकी बातों से थोड़ा असहज हो गई और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उस दिन मुझे समझ जाना चाहिए था कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। फिर एक दिन मैं घर पर अकेली थी, तो वो मेरे घर आया। उस वक्त मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, तो वो मेरे पास आकर लेट गया और उसने अपना एक हाथ मेरी पीठ पर रख दिया। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की तरफ ले गया। मुझे उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी और मैंने उसका हाथ अपने ऊपर से हटा दिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी। वो मेरे काफ़ी पास लेटा हुआ था, तभी मुझे फिर से अपने पीठ के नीचे वाले हिस्से के बीच में किसी काफ़ी बड़ी चीज़ के छूने का एहसास हुआ। मुझे लगा ये उसका हाथ है और मैंने फिर से अपने हाथ से उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने इसे टच किया तो मैं समझ गई कि ये उसका हाथ नहीं है, बल्कि कुछ और है। फिर मैं तुरंत पलट कर खड़ी हो गई और पीछे की तरफ मुड़ी, तो उसने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि ये क्या है, तुम मेरे रूम से तुरंत बाहर निकलो। तो वो बेशर्मी की तरह हंसने लगा और बोला कि इस समय घर पर कोई नहीं है और अगर तुम मुझे निकाल सकती हो तो निकाल दो। मैंने उससे कहा कि मैं आपको अपने बड़े भाई के जैसे मानती हूँ, आपकी ये हरकत ठीक नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में तो उस समय भूत सवार हो गया था और वो बोला कि हाँ तो क्या हुआ, बड़ा भाई मानती हो ना, लेकिन मैं कोई आपका सगा भाई थोड़ी हूँ। मैं समझ गई थी कि अब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तभी मैं चिल्लाने लगी तो उसने जल्दी से रूम का दरवाज़ा और खिड़की बंद करने लगा ताकि मेरी आवाज़ बाहर तक ना जाए और मेरे मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोला कि अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और उससे हाथ जोड़कर वहां से जाने के लिए मिन्नतें करने लगी, लेकिन उस समय उसे मेरी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी और वह जिस काम के लिए आया था वो काम करना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और चुपचाप बेड पर बैठ गई। तब उसने कहा कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, बस 10 मिनट में मैं फ्री हो जाऊंगा और ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। मैं उसकी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी, तो उसे लगा कि शायद मेरी भी इसमें हाँ है। फिर उसने मेरे उभारों को देखा और उसे किस करने लगा और कुछ समय के बाद मुझे बेड पर उल्टा लेटा दिया। मैं सब समझ चुकी थी कि अब मेरा बचना नामुमकिन है और कुछ समय काम क्रिया के बाद मुझे अपने सबसे नाजुक वाले अंगों में बहुत तेज दर्द का एहसास हुआ। उस दर्द के कारण मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, क्योंकि ऐसा दर्द मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। मैं बस रोई जा रही थी और उसके ख़त्म होने का इंतजार कर रही थी, तभी आखिरकार उसके मुँह से बहुत ही जोर की आवाज़ निकली और अगले ही पल वो रुक गया और बिल्कुल ठंडा पड़ गया। लेकिन मैं बिल्कुल बेसुध सी अपने बेड पर पड़ी थी, मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उठकर बैठ सकूं और अपना सब कुछ सही कर सकूं। फिर वह उठकर खड़ा हुआ, अपना कपड़ा सही करने के बाद बोला कि इस बारे में किसी को भी बताया तो अच्छा नहीं होगा, और ये कहते हुए रूम से बाहर निकल गया। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद मैं दर्द से कहारती हुई उठी और सबसे पहले अपनी मम्मी को फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद मेरी मम्मी तुरंत घर आती है और मेरी हालत को देखकर समझ जाती है कि मेरे साथ क्या हुआ है और तुरंत पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है। पुलिस ने मेरे बयान के आधार पर उसे पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है, लेकिन उस दिन जो दर्द मुझे मिला उसे मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी रिश्ता हो, और अक्सर यही करीबी रिश्ते हमारी ज़िंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ऐसी ही कहानियां, फैमिली लव स्टोरी देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कहानी विद चांदनी को भी सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नए अध्याय के साथ।